अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सनिया फूड फैक्ट्री और आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि एक पतीली में एक कप तेल को गर्म कर लिया है और चार प्याज स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। चार प्याज है ये कटी हुई, इसको डालकर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन ही करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना होने पाए, इस बात का बहुत ख्याल रखिए, नहीं तो ये होगा कि हमारे सालन का रंग ख़राब हो जाएगा। जब तक प्याज लाल हो रही है हम इसके मसाले निकाल लेते हैं जिसको पीसना है। तो ये देखिए, ये तीन तेज़पत्ते लिए, दो बड़ी इलायची है, ये एक चौथाई जायफल का टुकड़ा है, 6-7 लौंग है, आधे से कुछ कम जावित्री है और 4-5 छोटी इलायची है और दो टुकड़े दालचीनी के लिए थे। तो इसको छोटा छोटा कर लिया ताकि पीसने में आसानी हो, जार में ब्लेड टूटे ना। तो इन सारे मसालों को हम बारीक सा पीस लेंगे जार में डालकर। इस दौरान प्याज को भी देखते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो लगने ना पाए, डार्क ब्राउन ना होने पाए। तो मसाला पीस कर फिर हम आगे का स्टेप देखते हैं। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह से पीस गया है और ये जो थोड़े थोड़े बड़ी इलायची के छिलके वगैरह हैं, आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, जो बारीक नहीं होते हैं मिक्सर में तो आप इसको निकाल भी सकते हैं साइड में, कि सालन में वैसे इतना ज़्यादा तो महसूस नहीं होता, लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े हों तो उसको निकाल दीजिए। तो ये हो गया, ये इस मसाले को पीस कर हम साइड में रख देंगे, फिर जब इसकी ज़रूरत होगी तो वो यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए, ये एक किलो गोश्त मैंने लिया है, मैं मटन ले रही हूँ, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, उसमें भी इसी तरह बहुत लजीज बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, अब इसको साइड में रख रहे हैं और प्याज को देख लेते हैं, प्याज भी गोल्डन हो रही है। तो ये देखिए, प्याज को अच्छी तरह से मैंने गोल्डन कर लिया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई है। इसी स्टेप पर हम इसमें गोश्त डाल देंगे और इसको भून लेंगे, साथ साथ भूनते जाएंगे। गोश्त को प्याज के साथ भून लेने से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है गोश्त में, और हमारा जो सालन या कोरमा जो हम बनाते हैं उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ये टिप जो है ये बहुत पुरानी चली आ रही है, अक्सर नानियाँ दादियाँ या घर की जो बड़ी औरतें आती हैं वो इसी तरह करती हैं कि गोश्त को प्याज के साथ पहले भून लिया जाता है तकरीबन 10 से 12 मिनट, तो उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। इस दौरान फ्लेम को हाई रखना है ताकि बुनाई का काम जो है वो अच्छी तरह होता रहे। और कभी भी घर में सालन आपको बनाना हो मटन का या बीफ का, तो आप ये ज़रूर करिए कि सिर्फ प्याज के साथ इसको 5-7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए भून लीजिए, तो देखिए बहुत फ़र्क महसूस करेंगे आप, इंशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी सी आने लगेगी। तो ये देखिए, इसको भूनते हुए 10 मिनट होने वाले, और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और 1 टी स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाला, और इसको भी हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इसको भी हम 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि खुशबू अच्छी से आने लगे और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है और गोश्त में जो हल्की सी स्मेल रह जाती है तो अच्छी तरह से दूर हो जाए। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये भून गया है, और अब मैं इसमें 4 टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ, ये जो बनाया था टमाटर का पेस्ट, मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इसको भी डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून गाढ़ा वाला दही डाल लेंगे, साथ ही इसको भी भून लेंगे। गोश्त को आप जितना अच्छी तरह से भूनेंगे उतनी ही अच्छी तरह से हमारा सालन अच्छा बनेगा और खुशबूदार बनेगा। तो हर स्टेप पे ये ख्याल रखिए कि अच्छी तरह से हमको उसको भूनना है। हाई फ्लेम पर मैं उसको भून रही हूँ क्योंकि पानी, टमाटर का पानी और दही का पानी छूटता है। गोश्त को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाहे तो तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च की जो खुशबू होती है और जो कलर होता है तो सालन में बहुत अच्छा सा आता है। और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसको भी इसी तरह से साथ में भून लेंगे। नमक मैं 1 टीस्पून के अंदाज से डाल रही हूँ, आप अगर चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से डालें, और बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए। ये देखिए, माशाल्लाह तेल सेपरेट होने लगा है, खुशबू तो बहुत अच्छी सी आने लगी है, लेकिन अभी हमको इसको भूनना है क्योंकि अभी मसाला काफ़ी कच्चा दिख रहा है। ये देखिए, तो अच्छी तरह से जब तक भून नहीं जाता हमको उसको भूनते रहना है और फ्लेम हाई रखना है। कश्मीरी लाल मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए मैंने 1 टीस्पून और बढ़ा लिया है। ये देखिए, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कलर कम लग रहा है हमारे सालन का,
इसलिए तो मैंने थोड़ा सा और बढ़ा लिया है। तो ये देखिए इसको भूनते हुए तेज आंच पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह खुशबू अच्छी आने लगी है, तेल भी सेपरेट होने लगा है। ये देखिए मैंने इसमें हड्डी वाला गोश्त लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, बिना हड्डी वाला ले सकते हैं। अब इसमें जो हमने ये मसाले पीसे थे सूखे, जायफल जावित्री वगैरह, वो डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको भी हम भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं और अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी डालूंगी क्योंकि हमको इसको गलाना है। अब ये देखिए 2 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसको ढाक कर धीमी आंच पर हम पका लेंगे, तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेगा। और अगर आपको प्रेशर कुकर में कुक करना है तो 2 से 3 सीटियां लीजिए या 10 से 12 मिनट के लिए गला लीजिए, इंशाल्लाह अच्छी तरह से उसमें जल्दी से गल जाएगा प्रेशर कुकर में। लेकिन मैं पतीली में बना रही हूँ इसलिए इसमें तकरीबन 35 से 40 मिनट ज़रूर लगेगा। तो पहले हम इसमें एक उबाल आने देंगे, उसके बाद फ्लेम को स्लो करेंगे, अभी ये हाई पर ही है। तो ये देखिए इसमें उबाल आने लगी है और अब मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी। और इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त को आपको ज़्यादा थोड़ी सी कसर रखना है, एकदम से बिल्कुल नहीं गला लेना है फाइनली, क्योंकि हमको इसमें आलू भी डालना है। तो बस 95% तक हम गलाएंगे, उसके बाद आलू डाल के उसके साथ गल जाएगा। तो ये देखिए इसको पकते हुए 40 मिनट पूरे हो गए, ये गला नहीं था, बीच में मैंने इसको चेक भी किया था तो इसलिए मैंने इसको पकने दिया। अब ये माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है तो अब इसमें आलू डालेंगे। 8 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उसको इस तरह से 1 में 2 कर लिया है, ये देखिए ये भी पड़ जाएंगे। और ये तकरीबन 5-6 हरी मिर्च है, इसकी डंडियाँ नहीं तोड़ी हैं, इसको भी डाल देंगे साथ ही में और इसको चला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त में जो मामूली सी कसर रह गई है वो जैसे आलू गलेगा वैसे वैसे गोश्त में जो मामूली सी कसर रह गई है वो भी गल जाएगा पूरी तरह। और अब हम इसमें हल्का सा पानी और डालेंगे, ये देखिए हल्का सा गाढ़ापन है तो 1 कप पानी और पड़ेगा, 1 कप पानी मैं और डाल रही हूँ ताकि पकने के दौरान जो गाढ़ापन और हो जाएगा वो ना हो, हमारा शोरबा टाइप का सालन हो। हम इसको ढाँक कर आलू के गलने तक पका लेंगे। तो ये देखिए इसको ढाँक कर मैंने हाई फ्लेम पर पकाया था, उबाल आने का इंतज़ार था, तो उबाल आ चुकी है। और उसमें 1 मुट्ठी हरी धनिया का डाल रही हूँ मैं, 1 मुट्ठी कह लीजिए या 1 प्याली, ये देखिए ये 1 प्याली हरी धनिया, इसको भी डाल देंगे साथ में। ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप चाहें तो और डाल सकते हैं, लेकिन अभी भी डालने से खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। और ये पकने लगा है तो अब आलू गलाने के लिए हम इसको 15 मिनट स्लो फ्लेम पर ढाँक कर और पका लेंगे। तो ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और आलू अच्छी तरह से गल चुका है, इसको एक बार चेक कर लेती हूँ वापस से। देखिए अच्छी तरह से आलू गल चुका है। अब इसमें 1/2 नींबू का रस डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लो। थोड़ी सी हरी धनिया और डाल रही हूँ और फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और आप इसको रोज़मर्रा के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, किसी भी दोपहर के खाने में या रात के खाने के लिए, और रोटी और चावलों के साथ सर्व कीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, मैंने हल्का सा पतला ही रखा है, ये देखिए। और अगर आप चाहें तो इसको और गाढ़ा रख सकती हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, आपके घर में जैसा पसंद किया जाता है उस हिसाब से आप रखिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा।